अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट फरी और मेरे साथ मौजूद हैं आकिब। आज का जो हमारा शो है आकिब, वो आपने कहा कि ख़ास हमारे जो फॉलोअर्स हैं और जो प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखते हैं उनके लिए वक्फ कर दिया जाए। तो आज का शो जो है वो होगा ऑल अबाउट योर कमेंट्स और ज़्यादातर जवाब आप देंगे। पहला बड़ा प्यार भरा कॉमेंट है, अपनी हद में रहो, पूरी दुनिया जानता है तुम्हारा बाप कौन है। ये तो मुझे लग रहा है वो इंडियन फिल्म में नहीं होती थी अमिताभ का, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। ये इनसे सबसे पहले तो जो है वो अपने व्यूअर्स का थैंक्स अदा करते हैं, थैंक्स करते हैं कि वो हमारे चैनल को कंटिन्यूसली देखते हैं और कई लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, कई लोग जो है इसना भी कवर करते हैं। लेकिन बहरहाल हमारा मकसद जो होता है वो एक फैक्ट्स पे बात करना होता है और एक्सपर्ट ओपिनियन अपना देना होता है और आप तक जो है एनालिस्ट और जो खबरें होती हैं वो तक पहुंचाना होता है। ये जो भाई ने बात की है, मुझे लगता है कि ये पिछले जन्म में अजय देवगन होंगे, ठीक है, सनी देओल होंगे, अजय देवगन होंगे और इनको काजल नहीं मिली होगी इसलिए ये इतने अग्रेसिव हो गए कि हम जानते हैं तुम्हारा बाप कौन है, हाथ में रहो। भाई हमने क्या कर दिया, हमने आपकी कोई लंगोटी तो नहीं जुड़ा ली या क्या किया आपके साथ? भाई ऐसी बातें ना किया करें, हम भी जो है वो हाथ में ही है, आप भी हाथ में हैं, हम भी हाथ में हैं। हमारा मकसद यहाँ पे बात करना होता है, अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो आपका जो है आपका, तो फिर भी अगर आपको हमारी बात नहीं पसंद, हम आपको अच्छे नहीं लगते, कमेंट में बता दीजिएगा। अच्छा, अगला है, आई एम रिपोर्टेड दिस चैनल रिमूव इन 24 आवर्स, परमानेंट खलास होने वाले, जल्दी करिएगा, देना कीजिएगा, हम वेट कर रहे हैं इस चीज का। भाई अच्छा, हम सब लाख तोपों की सलामी देते हैं, आप लोगों का वही काम है नाच ना आए आंगन टेढ़ा, पूर पाकिस्तानी। वैसे ये नाचने का काम तो आपका है, हमारा तो नहीं है। हाँ खैर, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये अब देखना होगा ना कि ये इन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, उनके माइंड में क्या बात थी, वो भी तो लिखे ना कि आप उनको हमारी कौन सी बात बुरी लगी। वो उन्हें लग रहा है कि जी हमारी जो कंट्री है उसने परफॉर्म नहीं किया। अच्छा, हमारी कंट्री ने परफॉर्म नहीं किया और मसला आपको हो रहा है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इंडियन जो है वो हमारी टीम के लिए इतना कंसर्न है कि उनको हमारी टीम की बुरी परफॉर्मेंस से जो है इतना लगा हुआ है। थैंक यू भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए इतना कंसर्न शो किया, हम जो है आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बट हम आपको ये बता दें कि आपकी टीम इस वक्त फिट जा रही है और वर्ल्ड कप आपने जीतना है क्योंकि इंडियंस जो है हमारे नेबर्स हैं और विराट कोहली मेरा फेवरेट है, हमारा फेवरेट है, पाकिस्तान में जो है उसकी बड़ी फैन फॉलोइंग है और जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है इंडिया की, हम भी बड़े कंसर्न है आपकी टीम के लिए, उन तुसी वर्ल्ड कप जीत के आना, नाक ना कटवाना। चैलेंज हो गया ये तो। अच्छा, ये मैं नाम इसलिए नहीं लेती, थोड़े पढ़ने में ना लंबी लंबी आईडीज है, मुश्किल है, पाकिस्तान कौम को ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, बैठे बैठे वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता है। अच्छा जी, ये इनका जरा मुझे बेशक मुश्किल नाम ही है, नाम बताइएगा। ये है अखिलेश कुमार सिंह। अखिलेश, गुड, ये मैं देखता हूँ, ये हमारे कंट्री फॉलोअर हैं और ये हमें देखते हैं और अपना गुस्सा जो है हम पे निकालते हैं। कुमार भाई, हमें मेहनत क्या, ये मेहनत होती है, यकीन करें ये बड़ा मुश्किल काम होता है। मुझे लगता है आपने कभी कैमरा फेस नहीं किया, ये आपके पास कैमरा है नहीं, या अभी भी आप वो बटने वाले मोबाइल पे ही घेर रहे होते हैं गेम्स ने, एक बार मैं अपने नंबर इस पे बना लूं तो एंड्रॉइड फोन लें, उसका कैमरा खोलें, अच्छा वाला, अच्छे वाला, क्योंकि इंडिया में ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो क्योंकि आप दावा भी करते हैं कि पाकिस्तान ज्यादा अच्छी है, एक अच्छे वाला मोबाइल लें, पैसों का इकोनॉमी भी अच्छी है, अगर पैसे नहीं है तो हमें बताएं, हम आपको उधार पे दे देते हैं। आप अच्छे वाला मोबाइल लें, अपने कैमरे के मोबाइल के सामने खड़े होकर वीडियो बनाएं और फिर मुझे बताइएगा कि ये बैठे बैठे वीडियो बन रही है कि जो है आपके वो जिसको कहते हैं ना काम पे टांगती है, काम पे टांगते वीडियो बना रहे हैं, ये आराम से बन रही है, बड़ा मुश्किल काम है मेरे भाई, करके देखें फिर आप मुझे बताइएगा लास्ट। ओके, नेक्स्ट है सानिया मिश्रा, ये भी रेगुलर हमें कमेंट देती हैं, सो थैंक यू सो मच सानिया। आप लोग इतने कॉन्फिडेंस से गलत होकर अपने ओपिनियन देते हो, लाइक सीरियसली आप हमें बोलते हो शर्म नहीं है, आप लोगों को है शर्म, बोलते रहते हो, हमसे शर्म ले लो, खुद के पास है जो दूसरे को दोगे। अच्छा, सबसे पहले तो सानिया मिश्रा जी का थैंक्स कि वो हमारे रेगुलर फॉलोअर हैं और देखती हैं हमारा चैनल को, इसका मतलब हम आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमें देखती हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अच्छा आपने कहा जी हम इतने कॉन्फिडेंस से गलत होकर भी आप अपना ओपिनियन देते हैं, तो अब आपने एक जो है वो पिटीशन दायर कर दी हम पे कि हम गलत बोल रहे हैं, तो आप हमें ये बता दें कि हमने क्या गलत बोला है, आप पिटीशन दायर करें
आप हमें बताएं कि हमने क्या गलत बोला ताकि हम वो बोल दें, क्योंकि अब आपने किस कॉन्टेक्स्ट में ये मैसेज किया है ये आपसे बेहतर मेरा ख्याल है कोई नहीं जान सकता। अब आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी है, कौन सी चीज़ बुरी लगी है, ये भी आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। बहरहाल आप जो है कमेंट में बताएं कि आपको जो है कौन सी चीज़ हमारी बुरी लगी है जो हम जो है फजूल बोलते रहते हैं, ताकि उस चीज़ का जाला किया जाए आपको खुश करने के लिए। ओके फिर कहते हैं आरबी क्रिएशंस, अपने टीम के बारे में सोचो यार। तो हम अपनी टीम के बारे में सोच रहे हैं, तुसी साड़ी वीडियो तो देखो, असी अपनी टीम दी मां भैन करती तुसी इत्थे सानू वेरे। तो भाई हमें तो अपनी टीम से ज्यादा आपकी फिक्र है, क्योंकि आप टीम की फॉर्म लगी हुई है, अच्छी फॉर्म लगी हुई है, आप जो है वर्ल्ड कप जीते हैं, जिस तरह की फॉर्म आपकी लगी है, हमारी अपनी टीम की हम उम्मीद करते हैं अगले वर्ल्ड कप में हम कमबैक करेंगे। इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट टू आवर टीम एंड टू योर टीम एज वेल। व्यूअर्स यहाँ पे अब हम अपना खत्म करते हैं आज का शो। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, स्टे विद अस थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। मी एंड आकिब विल कीप यू एंटरटेन्ड, कीप वॉचिंग क्रिकेट लाउंज। गुड बाय।